हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SRP एक्सपेरिमेंट। दोस्तों आज मैं तुमको कनेक्शन करना बताऊंगा इस बोर्ड का। जो आप लोग बोर्ड देख सकते हैं दोस्तों, ये पावर बोर्ड कहलाता है दोस्तों। इसका कनेक्शन हम करेंगे, इसका कनेक्शन बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। मैं आप लोगों को कनेक्शन पूरा करके बताऊँगा कि इसका कनेक्शन आपको करना क्या है। सबसे पहले इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसका कनेक्शन। देखिए दोस्तों, इसको हमने ओपन कर लिया है। तो करना क्या है, आप लोगों को इसको खोलना है। ये खोलनी है, क्रिस्टल ले लेते हैं। यहाँ पर क्रिस्टल जैसे से आप लोग को इसको ओपन करना है। तो लीजिए थोड़ा सा, चलिए अब आपको एक वायर लेनी है। ये वायर देख सकते हैं दोस्तों, छोटी वायर ले लेनी है। को कनेक्शन करना है, आपको यहाँ से चार एक वायर जोड़नी है। इसके बाद एक वायर को आप यहाँ पर जोड़ दीजिए। देखिए दोस्तों, एक कनेक्शन यहाँ पे सिंपल है, कनेक्शन कर दीजिए हमने यहाँ पे। उसके बाद आप लोगों को एक वायर यहाँ पे जोड़ना है, एक वायर यहाँ पे जोड़ना है जो हमारा इनपुट होगा। इसके लिए हम पहले यहाँ पे बोर्ड पर यहाँ पर एक छेद कर लेते हैं, ताकि हम इस पर यहाँ से वायर डाल देंगे। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर छेद करके और वायर डाल के दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर छेद कर दिया है। ये हमारे पास दो वायर हैं, ये दो वायर को हम इस होल से निकालेंगे। जिस तरह ये होल निकालने के बाद इसे खींच लेते हैं। खींचने के बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे एक नोब लगा लेते हैं, ताकि हमारी वायर खींचे नहीं किसी तरह। नोब लग गए दोस्तों। अब इसको हम यहाँ पर एक वायर को कनेक्ट करके हम यहाँ पे इस तरह से टाइट कर देते हैं। इसी तरह हम इधर भी कनेक्शन कर देते हैं, टाइट कर देते हैं। ये हमारे कनेक्शन सही हो गया दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं अच्छे से कि हमने कनेक्शन कैसे किया है इसका। ये एक वायर यहाँ से कनेक्ट करके, एक वायर यहाँ कनेक्ट कर दिया, और ये हमारी इनपुट है और यहाँ से भी इनपुट है। चलिए दोस्तों, हम इसे फिट कर देते हैं। देखिए दोस्तों, हमने चारों स्क्रू इसके टाइट कर दिए हैं। हम इसका आगे कनेक्शन करते हैं दोस्तों। कनेक्शन करने के लिए हम इस वायर को एकदम बराबर पे दोनों वायर को लाएंगे, और लास्ट वाले पॉइंट पर हम कट करेंगे। उसके बाद हम वहाँ पे एक प्लग लगाएंगे 3 पिन का। देखिए दोस्तों, हमारे पे 3 पिन ये प्लग है, इसको हम खोल लेते हैं यहाँ से। ढीला कर लेते हैं, ताकि दोनों तार को हम यहाँ पे लगा के फिक्स कर लेंगे, हमारी वायर निकलेगी नहीं। ये हमने दोनों पिन दोनों तारे हमारी इनपुट की, जो हमारे 220 वोल्ट इसी पर जाएगी। तो हम ऐसे ऐसा लगा देते हैं। उसके बाद तो आपको यहाँ से इसे निकाल लेना है।
सिंपल है, मैं इसकी वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन मेरे पास ये मुझे काम मिला था, मिशन को करना था हमें काम, फिर मैं इसको बना रहा था, साथ में सोचा वीडियो भी बना लूँ, फिर वीडियो बना रहा हूँ। बाकी इसका कनेक्शन हर कोई अच्छे से जानता है, बहुत सिंपल होता है, कोई भी कर सकता है। मैं तो एक वीडियो बनाने के लिए हिसाब से मैंने आपको वीडियो बनाकर दिखा दिया है। बाकी यदि आप हमारे चैनल पर नए हों और इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नॉलेज मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। देखिए दोस्तों, ये कम्प्लीट हो गया है, मैंने जिसके लिए बनाया है इसको मैं उसे दे दूँगा। ये हमारा कम्प्लीट हो गया एक्सटेंशन। चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो पर एक नए टॉपिक के साथ।